अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं सना कुकिंग पॉइंट। तो आज हम बना रहे हैं चटपटे मसाले वाले छोले, बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है, आप ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। तो अज्जा नोट कर लीजिए, ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इसको ग्राइंडर कर लिया है, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो भी ग्राइंडर करे हुए, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन है इसके अंदर, ये सब एक ग्राइंडर कर लिया है मैंने। ये छोलों का पानी है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको हमने पकाने में लेना है। और ये तकरीबन 1.5 पाव छोले हैं, ये को बॉयल कर लिया है हमने। ये आधी गड्डी हरा धनिया है, 6-7 हरी मिर्चें हैं, आधा पाव दही ले लें, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है, ये खुशबू मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। स्पाइस देख लीजिए, कुटी हुई मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच है, हल्दी आधा खाने का चम्मच है, नमक 1.5 खाने का चम्मच है, पिसा धनिया 1.5 खाने का चम्मच है, पिसी मिर्चें 2 खाने के चम्मच हैं। स्पाइसेस इसलिए ज़्यादा है, छोले पी जाते हैं। ये सारे मसाले कब कब ऐड करने हैं मैं आपको बताती हूँ। अब इस पीसी प्याज में सारे स्पाइसेस डाल दीजिए। ये हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, अब किस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे आप देखिए। ये तकरीबन हमने 1 पाव तेल ले लिया है, इसको गरम कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे। ये खाने का चम्मच ज़ीरा डालें, इसकी हमें खुशबू चाहिए, हमें इसे पहले नहीं डालना, इसको अच्छे तरीके से भून लें जब ये दानेदार हो जाए। बाकी चीज़ें कब ऐड करेंगे हम आप मैं आपको बताती हूँ। देखिए मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल दानेदार हो गया, देखिए अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर दें, फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लें, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल दीजिए, चनों का ही पानी डालेंगे, एक्स्ट्रा कोई दूसरा पानी नहीं डालेंगे हम। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें उबाले आ चुके हैं, अब इसमें चने डालेंगे हम। देखिए इसमें उबाले आ रहे हैं, अब इसे दरमियानी आंच पे रख देंगे हम, ताकि चने और नरम हो जाए। इसके बाद क्या ऐड करनी है चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हमारा सालन रेडी हो चुका है, ये देखें, गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। अब इसमें ये मसाला डाल दीजिए, खुशबू मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है,
ये डाल दीजिए। ये हरी मिर्च बीच में से कट करके, ये देखें मैंने ऐसे कट की हुई है, ये डाल दीजिए 7-8 के करीब। हरा धनिया डाल दीजिए, देखिए ये इसका रोगन मैंने पहले निकाल लिया था चने डालने से पहले, ये ऐड कर दें। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं उठता है, नहीं तो हमें बहुत तेल भी कम पड़ता, इसलिए हमने बाद में डाला है ताकि कम से कम तेल इस्तेमाल हो। अब से 10 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। देखिए इसका रोगन ऊपर आ चुका है, अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए गाइस हमारे मसाले वाले चने तैयार हो गए हैं। पूरी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगते हैं। देखें टूटे भी नहीं हैं और सॉफ्ट गले। मेरी मज़ीद रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सना कुकिंग पॉइंट।